अब लोगों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। पूरे साल भर इंतजार करने वाले बाप्पा के भक्तों में खुशी का माहौल है। भक्तों के दुखों को हरने वाले तथा सुख प्रदान करने वाले देवों के गणनायक श्री गणेश अर्थात बाप्पा का आगमन हो गया है। हजारों घरों में बाप्पा विराजित हो गए हैं। श्री गणेश के स्वागत के लिए घरों व सार्वजनिक मंडलों में सजावट की गई। गणेश जी की विविध आकार और थीम वाली मूर्तियां बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध थी। लोगों द्वारा गणेश जी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर खरीदी की गई। शहर स्थित छोटा बाजार, हिंदी सिटी हाई स्कूल परिसर, कुमार मोहल्ला आदि जगहों पर मूर्तियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। साथ ही भक्तों की शहर के श्रृंगार, मिठाइयां, पूजा सामग्री एवं फलों की दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही थी। बाजार में गणेश जी के सजावट का विविध सामान उपलब्ध था। लोगों द्वारा सजावट का सामान भी बड़े पैमाने पर खरीदी किया गया। लोगों द्वारा घर, सार्वजनिक जगहों पर गणेश जी का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। शहर के गंजवाड़ रहवासी झबाड़े परिवार में गणेश जी का स्वागत बड़े उत्साह से किया गया। झबाड़े इनके घर बड़े भक्तिभाव के साथ गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गई। पूरे परिवार ने मिलकर गणेश जी की पहली आरती की तथा गणेश जी का आशीर्वाद लिया। अब पूरे 10 दिन लोग अपने लाडले बापा की पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, बापा की सेवा करेंगे। बाप्पा के आगमन के साथ ही विविध संस्थाओं द्वारा विविध स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। पिछले साल की तरह इस साल भी पुलिस विभाग की तरफ से गणेश उत्सव के दौरान स्पर्धा का आयोजन किया गया है। हर तहसील में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बख्शीश दिए जाएंगे। जो गणेश मंडल सामाजिक भाव के साथ ही शांतता से गणेश उत्सव मनाएंगे, उस आधार पर बख्शीश वितरित किए जाएंगे। इसके लिए समिति तैयार की जाएगी जो निरीक्षण करेगी। ऐसी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक हेमंत सिंह राजपूत ने दी। साथ ही गणेश उत्सव के दौरान शांतता रखने का आह्वान भी उन्होंने किया। गेल्या वर्षी प्रमाणे याही वर्षी आमच्या पोलीस विभागातर्फे गणेशोत्सव स्पर्धा आहे ती आयोजित करण्यात आलेली। या स्पर्धेमध्ये गेल्या वर्षी आम्ही प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय या पद्धतीने प्रत्येक तालुक्यामध्ये बक्षिसे देण्यात आली होती आणि या बक्षिसांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आमच्या मार्फतीने डीव्हीआरसह देण्यात आलेले होते। याही वर्षी आम्ही अशी एक स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। या स्पर्धेचं एक परीक्षक मंडळ नेमून त्या मंडळामार्फतीने त्या गणेश उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांचं आम्ही परीक्षण करणार आहोत। तर या निमित्ताने मी सर्व गणेश मंडळांना या ठिकाणी आवाहन करतो की सामाजिक सलोखा आणि सामाजिक चांगल्या प्रक्रिये पद्धतीचे जे मेसेजेस आहेत ते मेसेजेस आपण समाजाला ज्याच्यातनं उपयोग होईल असे मेसेज आपण देण्याचा पद्ध या गणेशोत्सवामध्ये आपण प्रयत्न करावा, जेणेकरून सामाजिक सलोखा जपला जाईल आणि समाजामध्ये जी बंधुता आहे ती टिकून राहण्यास मदत राहील।